गाइस नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो स्किन केयर टिप्स अगर आपने देख लिया है दोस्तों, होली को लेकर के होली स्पेशल मैंने डाला था स्किन केयर टिप्स इसके पहले वाले वीडियो में, और जस्ट मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए उस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इस वीडियो को अलग कर दिया मैंने। हेयर केयर रूटीन, हेयर केयर टिप्स जिससे आप अपने बालों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो स्किन केयर वाला वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पर मिलेगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और आज आप देखिए कि आप अपनी होली में आप अपने बालों को कैसे देखभाल कर सकते हैं, जिद्दी रंगों से बचा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टिप्स है, ज़रूर पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। हेयर केयर टिप्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी टिप नंबर वन। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जब भी रंग होली खेलने के लिए जाते हैं तो बालों को हमेशा ऐसे खुला करके जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि सुंदर लग रहे हैं, बाल अच्छे हो जाएंगे, सुंदर लगेंगे, फोटोज़ अच्छी आएगी। तो दोस्तों इसके पीछे आपका जो ख़राब होता है वो होता है आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कलर जो है आपके बालों के ऊपर आता है और आपका जो बाल है बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो बिल्कुल भी बाहर जाएँ तो बालों को ओपन करके नहीं जाए दोस्तों। मैं आपको बताऊँगी कि टाई करना है, उसको बांधना है और क्या करना है जिससे आपके बाल सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टिव रहे। तो पहला टिप में आपको बालों को फोल्ड करके नहीं जाना है होली खेलने के लिए। नंबर टू, तो टिप नंबर टू में ये है कि बालों को अगर आप खोल के नहीं जाते हैं तो दूसरा टिप को आपको फॉलो करना है कि बालों को आपको अच्छे से ऑयलिंग देना है, तेल लगा लेना है पूरे स्किन पे, पूरे बॉडी पे, और जिससे क्या होगा कि अब जितना बालों में तेल रहेगा तो जितने कलर आएंगे आपके बालों पे वो इजीली से फिसल जाएगा और आपका बाल जो है ज़्यादा ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, और आपके बाल को क्या होगा तेल जो है क्लियर की तरफ प्रोटेक्ट करेगा, तो जितने भी कलर्स आपके बालों में आएंगे तो वो आपके बालों से बिल्कुल हट जाएगा। आपके बालों में हैवी ऑयलिंग करनी है, अच्छी ऑयलिंग करनी है ताकि आपका बाल जो है जो बहुत ज़्यादा जो गंदे वाला कलर होता है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी कलर होता है, उससे आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो तेल को आपको अच्छे से जड़ों से शुरू करना है और पूरे बालों पे आपको सिरों तक अच्छे से लगा लेना है। मैं थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ। को भी आपको तेल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है और आप इससे अच्छे से उसको अच्छे लेना है और फिर अच्छे से आपको पड़े जड़ों में ले करके और फिर से आपको पूरे सिरों पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। तो पूरे बालों पे अगर तेल लगा रहेगा तो कलर ऐसे ही आपके बालों पे नहीं आएगा। तो ये टिप नंबर टू है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बाल को खोल के नहीं जाए, बाल को बिना तेल लगाए हुए बाहर नहीं जाए। दो टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों। टिप नंबर थ्री सुनिए, अगर आपने अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑयलिंग की है उसको आपको टाई करना है। टाई करने के लिए क्या होता है कि आपको चोटी बनानी पड़ेगी। चोटी बनाने से क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आपका बाल टाई होगा ही होगा, बालों के अंदर तक कलर नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको जो चोटी होती है वो चोटी गूंथना है इस तरीके से, जिससे बाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे, बिल्कुल खुले नहीं और कलर इसके अंदर तक नहीं जाए। इस तरीके से फटाफट से आपको चोटी बना लेना है। लॉन्ग हेयर है तो आपको इस तरीके से पूरा नीचे तक जो अच्छे से चोटी बना लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे या तो रबर से इसको टाई कर ले, अगर और इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से पीछे जो अच्छे से जूड़ा बना करके और उसके बाद आपको रबर से इसको अच्छे से टाई कर लेना है। तो आपका बाल जो है ना पूरे जितना देर भी आप खेलना है आपको होली खेलिए, ना खुलेगा और ना ही इसके अंदर कलर जाएगा। अगर आपके पास बाल छोटे हैं, छोटे हेयर हैं, तो क्या करना है आपको क्लिप अच्छे से लगा करके और जो मास्क आता है हेयर वाला जो कवर करने के लिए आता है मास्क, उस टाइप का ले ले और अच्छे से उसको बांध ले। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कलर कैप जैसा आता है, हेयर कैप जो आता है वो लगा ले, चाहे तो आप भी लगा सकते हैं अगर आपके बाल बड़े हैं इस तरह से बांध करके, और जिसके छोटे हैं वो भी लगा लीजिए, जिससे कलर आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपका बाल बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी कलर से, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले कलर से, ठीक है। ये सारे टिप्स है, आप उसको फॉलो कीजिए। एक इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, उसको भी ध्यान देना है आपको कि जब भी आप होली खेलने के लिए जाए तो कभी भी इयररिंग्स,
गले में या फिर हाथों में इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ना पहन के जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये तो अगर आप गोल्ड वगैरह पर पहन रहे हैं तो गिरने विरने के बाद आपका नुकसान हो सकता है, या फिर अगर इस तरह का आप ज्वेलरी गोल्ड नहीं भी है तब भी आपका जो किसी को चोट लग सकती है, किसी के नाखून लग सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह ये सभी चीज़ों को निकाल के भी जाए। तो कोशिश करें जितने भी ज्वेलरी गहना वगैरह पहने वो होली खेलने के लिए वो सब पहन के ना जाए। ये इम्पॉर्टेंट टिप्स था, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। होली खेलने पहले सभी चीज़ें घर में ही रख करके जाए ताकि आपका सभी चीज़ें प्रोटेक्ट हो, उससे ज़्यादा ज़्यादा कलर ना हो। अगर आप बहुत ही महंगे वाले ज्वेलरी पहन रहे हैं तो उसको कलर आएगा, फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए सभी चीज़ों को घर पे ही रख। ये जो मैंने टिप्स शेयर किए हेयर केयर वाला, ये होली खेलने के पहले वाला है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने होली खेला है और कलर आपके बालों पे आ गया है, थोड़ा बहुत लग गया है, तो कैसे आप उसको हटा सकते हो और आपके बालों को डैमेज फ्री कर सकते हो, थोड़ा सा नरिशमेंट दे सकते हो उसको और आपका बाल सुंदर भी हो जाए, मुलायम हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑयल और एक हेयर मास्क बता रही हूँ, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑयल के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना है मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारी DIYs शेयर किए आपके साथ, आज मैं आपको बता रही हूँ कि उसको कैसे करना है। तो हेयर ऑयल के लिए आपको क्या क्या लेना है, करी लिप्स, करी लिप्स ईजिली आपको मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन होता है हमारे बालों के लिए। और उसके साथ ही आपको लेना है प्याज, प्याज तो बहुत ही फायदेमंद होता ही है। उसके साथ आपको लेना है मेथी दाना और उसके साथ ही आपको लेना है कोकोनट ऑयल। तो चार सामग्री को मिला के बहुत ही बेहतरीन आपको ऑयल बनाना है, ठीक है। तो करी लीव्स, मेथी दाना, कोकोनट ऑयल और उसके बाद मैंने क्या बोला अभी आपको, मेथी दाना और करी लीव्स प्याज, चार चीज़ों को लेकर के आपको अच्छे से बॉयल करना है। इसको बॉयल करने के बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लें और इसको स्टोर करके आप रखिए। स्टोर करके आप इसको नॉर्मली अगर आपने होली खेला है तो होली खेलने के बाद उसको अप्लाई करके बालों पे रख सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि आपके बालों को अच्छी नरिशमेंट मिले। डैमेज हो गया है तो आपके बाल को सुंदर हो जाए और आपके जड़ों से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी ख़त्म हो। वो तेल लगाएं, नॉर्मली ये तेल आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सैटरडे संडे अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो इसको लगा लीजिए, 15-20 मिनट तक अपने बालों पर छोड़िए और फिर उसके बाद इसको अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। ये ऑयल हो गया। अब मास्क मैं बताती हूँ जो कि आपको जस्ट अप्लाई करना है होली खेलने के बाद। तो मास्क के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है दही, 2-3 चम्मच दही ले लीजिए, एक जो बनाना होता है केला, एक केला को अच्छे से मैश करके ले लीजिए, और उसके बाद आपको लेना है हनी लगभग 1 चम्मच। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए हाथों से या ब्लेंड कर लीजिए, इसी तरीके से आपको मिक्स करना है। और उसके बाद आपको पूरे बालों पर कोशिश करें कि जड़ों पे अप्लाएं और अच्छे से अप्लाई करके कैप लगा ले, हेयर कैप, उसको लगा के 15-20 मिनट तक अपने बालों पे छोड़ दे और उसके बाद अच्छे से उसको शैम्पू से धो ले। कंडीशनर इस टाइम नहीं लगाएं और लगाने के बाद जो है शैम्पू करने के बाद अच्छे से उसको वॉश कर ले। पहले बार के इस्तेमाल से फ़र्क दिखेगा, आपका बाल जो है डैमेज फ्री हो जाएगा, सिल्की सॉफ्ट शाइन रहेगा, कलर फ्री रहेगा और आपका बाल बहुत सुंदर होगा। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये हेयर केयर टिप्स है होली खेलने के लिए, होली खेलने के पहले, होली खेलने के बाद का। फॉलो कीजिए और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसको अप्लाई करें, यूज़ करें और उनका हेयर चाहे स्किन वो भी अच्छा हो, फायदेमंद हो। लाइक कीजिए, आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फॉलो कीजिए और ऐसे प्यार दीजिए। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो में, नए DIY के साथ, नए टिप्स के साथ, नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी।